अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में डिफरेंस देखें तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो प्रेडिक्ट करता है दैट ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड, जबकि हमारे पास न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो क्या स्टेट करता है, वो ये स्टेट करता है कि एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब वो कौन से दो फैक्टर्स हैं? फर्स्ट फैक्टर इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट और सेकंड फैक्टर क्या है? द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हाउ द एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन दीज फैक्टर्स। बिफोर डिस्कसिंग दिस लेट्स स्टडी व्हाट न्यूटन्स सेकंड लॉ स्टेट्स। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। The magnitude of this acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to mass. जब हम एक बॉडी पे एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो जो तो वो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन। वो जो एक्सेलरेशन है वो उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है जिस डायरेक्शन में वहाँ पर फोर्स एक्ट कर रही हो। अब वहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। इसका मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब बाय कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब यहाँ पर हमने क्या किया स्टेप में, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो मास हम यहाँ से उठा के इस साइड पे ले आए हैं, यहाँ पर डिवाइड हो रहा था उस साइड पे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ए एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अब वी नो दैट कि हमारे पास जब हम डायरेक्टली जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन फिनिश करते हैं तो हमारे हम वहाँ पर क्या पुट करते हैं? एक कॉन्स्टेंट, एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। इस लॉ में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास जो कॉन्स्टेंट है वो है स्मॉल के, और ऐसे यूनिट में हमारे पास स्मॉल के की क्या वैल्यू होती है? वन। तो हमारे पास क्या आ गया आफ्टर पुटिंग वन? एफ इज इक्वल्स टू एम ए फोर्स। अब हमें अगर इसके यूनिट्स में आएँ तो फोर्स का हमारे पास यूनिट है वन न्यूटन, मास का यूनिट है वन के जी एंड एक्सेलरेशन का मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो हम इसे कह सकते हैं दैट वन न्यूटन इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इससे हम एक चीज़ कह सकते हैं दैट वन न्यूटन इज़ द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ वन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ वन के जी। सो दिस वॉज टुडेज टॉपिक। थैंक यू।